to leave for another shoot on a short notice. So, here is presenting this vlog instead. So, ek saal pehle main ek feature film mein kaam kar raha tha as an actor aur ek saal baad yani ab reshoot ho raha hai us project ka to maine daadi bada ke rakhi hai aur ye jo baal hai ye ab jaane wale hain. Kal hame jana hai subah 8 baje, raat ko hum pahunchenge 1 baje aur parso shoot hoga ek hafte ke liye. Bahut mushkil kaam hai. What? Khud hi kaati hai. सुबह के 7 बज गए. What's up? मैं गहरी नींद में हूँ पर फिर भी मैं उठा हुआ हूँ. Finally, finally, finally मैं सुबह उठ चुका हूँ. मैं होश में आ चुका हूँ. Of course मैं excited हूँ क्योंकि shoot है. 8 बजे गाड़ी आने वाली है. 8 बजने में 5 मिनट है. मैंने अपनी packing भी नहीं करी ढंग से. और मैं कर रहा हूँ. मैं यहाँ बैठ के vlog बना रहा हूँ. कर देंगे. मिलते हैं. आ चुका हूँ मैं पहली लोकेशन में. मतलब अभी ब्रेक मिला है हमें यहाँ पे. ये हमारे मित्र सहपाठी दोस्त रोचन माथुर, इनकी कहानी भी बताएंगे और साथ में एक है लेजेंड के भी लेजेंड प्रवीण भैया, वो भी अभी आएंगे और हम सब मिलके खाएंगे तड़का ढाबा में. पराठे को पराठे पनीर के. हाँ समझ आता है. टमाटर गोभी बीन्स आ गया ये 370 आ गया. ओह मिशन पॉसिबल. पौने 6 और हम पहुंच चुके हैं भवाली. एक बड़ा शहर है हमारी फाइनल डेस्टिनेशन से पहले हमने यहाँ से सामान वामान ले लिया ताकि हम अगले 5-10 दिन सर्वाइव कर सके. सर्वाइव करने के लिए लिया है आलू गोभी प्याज और टमाटर बैंगन मक्खन और मैगी जो हम मस्त गर्म करके रातों को खाएंगे. कर दी ना छोटी बात. मैं बता रहा हूँ दोस्तों ये लोग है बेवकूफ. मैंने लिया पनीर चीज ब्रेड सॉस. सबसे मस्त चीज बीड़ू रक्षा कर रहा है अपने घर में घुसने से पहले हमेशा याद रखे रूल. तुम कितने थके हुए क्यों ना जूते तो अनइम्पोर्टेंट है. What's up? सुबह हो गई दोस्तों और अब मैं जा रहा हूँ शूटिंग के लिए. प्रोजेक्ट जो है वो चालू होने वाला है. हमें ट्रैक करना पड़ेगा, बहुत सारा सामान उठाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. टाइम हो रहा है 10:24, हमें 10:30 बजे पहुंचना था. करेंगे करेंगे जल्दी करेंगे, सब चीजें जल्दी होंगी. वो देख रहे हो वो टावर देख रहे हो, वहां पहुंच के एक पहाड़ और होगा उसको क्रॉस करके वहां पे हमने शूट करना है. हमें सामान उठाना है, सारी क्रेन वगैरह जाएगी और उसे उठा के ट्रैक करना है. फटने वाली है. लास्ट टाइम मैं बहुत चौड़ा हुआ था. मैंने कहा था कि तुम सब लोग थक जाओगे और मैं आऊंगा जो वन मैन लास्ट. दोस्तों मैं थक गया था क्योंकि मेरे को 15 किलो की वो क्रेन उठानी पड़ी. उसके बाद मेरे को अपना एक दोस्त था रोचन, वो धाराशाही हो चुका था आधे ट्रक में, तो मुझे उसका सामान भी उठा के ले आना पड़ा. उस दिन मुझे गुस्सा आया था रोचन पर, ठीक है मैंने कर दिया. चैलेंज वॉज एक्सेप्टेड बट नाउ आई एम मोर स्मार्टर देन दैट. अब मैं चौड़ूंगा नहीं, मैं सिर्फ नॉर्मल हूँ. हाँ चलते चलते जितना तुम शांत रहोगे ना उतना बेटर रहेगा. मैं अपने साथ शर्ट लाया था, वो पूरी रिंकल हो चुकी है, मुझे वो प्रेस करनी है. 5 मिनट के अंदर मैंने ये पूरी की पूरी शर्ट प्रेस कर दी. अब जैसे भी कर दिया ऐसी है. मेरी प्रॉप है मैरमैन के लिए, ये मेरी शर्ट है जो मैंने प्रेस की अभी. मेरे इसके अलावा सूट ऊपर रखा जिसे मैंने धोना है. ये मैंने अभी के अभी पूरा डाटा ट्रांसफर कर दिया लैपटॉप के अंदर. क्या कर मैं यार अपना मास्क नेक मास्क. वाह वो अरे वो आपको देना है, वो खो गया. मिल गया. सोया था भैया मैं इसके साथ. बढ़िया रोचन साहब क्या आप रेडी हैं? मैं काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम कई महीने बाद वापस शूट पे जा रहे हैं. ठंड बहुत है पर चलेंगे कूदेंगे भागेंगे तो मूड में आ जाएंगे और सही हो जाएगा. आपने एक्सरसाइज भी कर ली सुबह? हाँ मैंने एक्सरसाइज की. मैं ऑलरेडी 30 पुशअप मार चुका हूँ. ताकि गर्मी पड़ी रहे. गर्मी बढ़े और मैं ऐसा शॉर्ट हुआ, ऐसा शॉर्ट हुआ जब ऑडियंस देखे मजा आ जाए. जोश है मेरे में. कर लेंगे आज पूरी वीडियो बनाएंगे. शाम तक शूट खत्म करना है.
टीम को तैयार हो गया और अब हम करेंगे शूट। अरे 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 अरे।